हेलो भाई, मैं अरुण पवार। फिलहाल मैं खड़ा हूँ भाई इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश के। यहाँ के फॉन्ट वगैरह से आप समझ सकते हो भाई। एक्चुअली यहाँ आप देखोगे ये एक उड़ता विमान आ रहा है जिसका नाम है किया सेल्टो। तो टेम्परेचर है भाई, और नंबर भी कैसा लिख रहा है उनसे। और भाई एक गाड़ी और हमारे साथ, ये किया सेल्टो की 1143। अभी जो भाई हमको यूट्यूब पे अरुण पवार इंडी चैनल पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, हम पहले से ही मोमो के जरा साइड दो, जरा साइड प्लीज, हम इसको लेके घूम रहे हैं भाई इंदौर में, महाकालेश्वर, उज्जैन वगैरह सारी जगहें पे। अब इस गाड़ी का क्या काम है वो आपको एक मिनट में समझा देता हूँ पूरा। भाजी तुम अपना अपना बैग क्यों पैक कर रहे हो यार, क्यों माखी की तरह निकाल रहे हो दूध में से? भाई इतना सड़ा रूम है ये इंदौर में यार, मैंने रात भर ना सोन लिए। पैं पैं पी पैं 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 पी पैं 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 बहुत रिलैक्सिंग था भाई, उसी में जा रहा हूं अब रिलैक्सिंग। अरे रात के भाई 3 इंजन कितने बज रहे और कोई 15-20 बुलेट डड 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 डड। हां छपरी बहुत है मतलब यहां बुलेट वाले वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, एकदम आइसोलेटेड है भाई। आइसोलेटेड अरे बैग में से खाली कर ले जो खानो है, जो ले जाना हो मैं भैया। ये कहाँ से आ गए? हेलो, ये कहाँ से आ गए भाई तुम लोग? भाई एनिमेटर से भाई ये देख रहे हो हमारे पीछे पीछे कहाँ पे आ गए हैं लोग। भाई वाह बहुत बढ़िया, भाइयों का प्यार ही ऐसा। तो अब समझ आया भाई? अभी नहीं आया तो मैं आपको लिटिल लिटिल सी देर में समझा देता हूँ। हमारे रूम में देखो यस और तनीष होटल वाले भी आ चुके हैं। भाई मत जाओ, भाई मत जाओ, हम लोगों का प्लान था 2 जनवरी को मेरा तनिष्क का यश का गोवा निकलने का। अब हुआ क्या, इन्होंने एकदम से बोला भाई उज्जैन चल 30-31 तारीख को। मैं कहा चल भाई। अब यहाँ पे आपको पता उज्जैन आ जाते हैं, ओमकारेश्वर आ जाते हैं, फिर टाइम लग जाता है। अब 3 तारीख हो गई, अब 2 से ऊपर वो ये एक्साइटमेंट रहती है बॉयज को, नए घर वालों ने अभी नई नई गाड़ी चलवाई हो तो शौक तो चढ़ता ही है लोगों को भाई, नए लड़कों को। तो ऐसे करके फिर इसको भाई कार्ड रेल लग गए। तो भाई हमारे भाई को, इन दोनों को ऐसे लगने लग गया भाई चलो चलो, वो रहता है भाई एकदम से फिर रुका नहीं जाता एक्साइटमेंट के कारण। तो इन्होंने कहा भाई हम वही इंदौर ही आ रहे हैं आपका बैग लेके। तो ये भाई ये मेरा बैग ही वाला, तो ये घर गए हैं मेरा बैग लेके आए हैं और सीधा मेरे को उज्जैन से। मैं इतने दिन से पहले 4-5 दिन से ट्रिप पे हूँ, उनके बाद एंट्री वाले चैनल पे आप देख लेना पुराने वीडियोज। और नहीं किया सेल्टोस को लेके अब हम जा रहे हैं भैया गोवा, इतनी दूर लेके जा रहे हैं भाई इसको। IMT वाली है ये, इसमें नहीं जा रहे, इसमें मैं पहले एक बार होके आ रखा हूँ भाई गोवा। तो ये पूरी रात ड्राइव करके आए हो भाई तुम लोग? पूरी रात भाई, ये कल शाम को चले थे 6-7 बजे रात को, और पूरी रात 7 बजे पहुँच गए ये यहाँ पे उज्जैन। तो ये IMT वाली को लेके भाई देखो कैसी कास्ट सिस्टम है इंडिया में, तो IMT को लेके चलते हैं उज्जैन। अभी फिलहाल हम इंदौर में खड़े हैं, पता नहीं भाई रूट कहाँ का है, देखना पड़ेगा, कुछ नहीं पता है। ऐसे हम तीनों उठ के, मेरे को भी शक्ल देख लो, हम तीनों जा रहे हैं भाई ट्रिप पे। ये लोग ऑफिस वाले हैं, कोई काम वाला है, तो ये लोग नहीं जाएंगे, ये आप उल्टे ये बताना जरूरी है आपने घर जाएंगे। ऑफर किया था कि आप चलो गोवा है ना, चलो भाई हम तो कर रहे हैं, चलो दोनों गाड़ी ले चलते हैं, चलो हो गई फॉर्मेलिटी बंद करके चलो। तो भाई यहाँ पे कई भाई आ गए थे मिलने 2-4 लिटिल लिटिल से, तो अब आकाश सर को विदा कहने का टाइम आ गया। इतने दिन से हम साथ घूम रहे थे मैनुअल वाली डीजल में, अब IMT में घूमेंगे। चलो विधि का विधान है भाई, चल चलो भाई। भाई मन ना कर रहा भाई को जाने को, तेल ना सुलझाओ पहले या को मन ना लग रहा तेल बिना कैसे या को मन ना लग रहा बोलते ही मामा के बुरी लग जाए। चलो कोई नहीं, आराम से जाना तुम, ठीक है भाई? ठीक है चलो भाई, आई विल मिस यू ब्रो, आई विल। ओके आराम से चलाइयो गाड़ी, बहुत दूर का सफर है भाई, 17-18 घंटे नॉन स्टॉप चलना है इनको। ये तो गए भैया, अब हम थोड़ा नहा धो के हम भी निकलते हैं आगे अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स गोवा। बैग भाई चलो आगे, चलो प्लीज ड्रिंक, क्या है प्लीज ड्रिंक भाई, ऐसे अलार्म कौन बढ़ता है भाई पाके। तो भाई उज्जैन में अब नहा धो के अब हम निकलते हैं आगे, एक तरफ जर्नी कंटिन्यू करते हैं, वो लोग चले गए। भाई देखो हमारा लगेज देखो कितना सारा है, देखते हैं क्या ये पूरा का पूरा सेल्टोस में फिट आ पाता है नहीं आ पाता, ये बड़ा बैग है। ओ भाई बड़े प्यार से आ जावे, अभी तो और भी आ जाएगा हमें। चलो फिर भाई, इसने पता नहीं हमारे भाई ने नासिक होते हुए कोई तो मैप ढूंढा है, चलो भाई 433 किलोमीटर 8.5 घंटे लगेंगे, ड्राइव करते हैं। गाड़ी तुम 20 की माइलेज करवाते लाए हो भाई साहब,
और तुम तो बस छोरा ही परे हो यार, और अभी तो आधी टंकी बच रही है की 770 चलने के बाद भी 5,000 के तेल में आई है वैसे, सॉरी 4700 को डलवाए थे जिसमें आधा बच रहा है अभी यार। ये तो बहुत तगड़ी माइलेज दे रही है, 21 की माइलेज कौन सी मेरी ना दे भाई, वो भी 16-17 ही दे दे यार। तो बुलेट भी फिर भाई IMT है देखो, इसके अंदर क्लच नहीं है, वैसे गियर फिर सब सौदा रहता है इसके ऊपर। मैंने कई वीडियो बना रखी कैसे चलती है, चलो अब हम चलाते हैं, हम पे तो आती है। भाई अब हम पहुंच के मानपुर, कोई तो बीच में कहीं पे स्टॉप पड़ता है, इसकी गाड़ी में एक दिक्कत ये हो गई है, ये एडवांस इतने चलते हैं ना आजकल किया फिया वाले, भाई इस गाड़ी में एक भी सिंगल टाइप ए पोर्ट नहीं है यार। अगर जैसे मेरे को फोन चार्ज, सारे टाइप सी कर दिए पीछे आगे दोनों टाइप सी चार्ज वार्ज करने के लिए, तो अब मैं 15 प्रो वाला हो गया हूँ भाई, जिन भाइयों का नहीं पता कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, 15 प्रो ले लिया मैंने न्यू ब्रांड न्यू, 14 प्रो टूट गया था स्पीति पे, तो भाई उसके बाद क्या है ना, इसमें मेरे को अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, इसमें कार पे तो वायरलेस चली जाता है, लेकिन फ़ोन भी चार्ज करने के लिए टाइप सी टू टाइप सी केबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि 15 प्रो में भाई टाइप सी ही केबल चलती है, तो इसलिए यहाँ से केबल ले लेते हैं मोबाइल शॉप। ये देखो हम कहाँ पे, मानपुर कोई तो जगह है ये, 501 किलोमीटर होगा, 250 रुपया भाई, बहुत महंगी है। क्यों भाई कैसे महंगी, क्वालिटी नहीं है भाई, वो चिमटी से दिखाने को, कोई अच्छी क्वालिटी की दे दो यार भाई। ईआरडी की नहीं है इसमें, ईआरडी वगैरह की अब वारंटी कौन दे करा भाई, कौन को कौन, तो भाई बहुत दूर जा रहे हैं यार भाई। केबल तो हमने ले ली एक, ये वहाँ से डैश कैम लगवा के लाया था कोई नकली कंपनी का, सोनी लैक्स पलवल से, देखने में चिप और घुस गई भीतर, 2,000 रुपये में यही माल मिलेगा चाइनीज सौदा, क्या करे एक मिनट भी नहीं चला है ये भाई, पेपर चिप निकलवाते निकल जाए तो बहुत भीतर घुस गई, इसमें SD कार्ड वगैरह डलता है ना भाई, बिना डैश कैम तो के तो मजा नहीं है, इतना लंबा ट्रैवल कर रहे तो उसमें चाहिए यार अनहोनी का, वो क्या हो जाए पता नहीं, कुछ चलता ना इसलिए वो हो तो बेस्ट ही रहता है। देखो ये कोई कंपनी का डैश कैम है, कहाँ खराब है, वो सही है, सही था है। अब लगा सही भाई, निकाल तो दिया हमने, ये अंदर घुस गया था इसमें ब्लेड से निकल गया है। अब लगा रहा भाई सही पोना इसको भाई, ये दे दे तू बन रो गनो उसे पहले फंसा दियो मेरे फंसा और यू कहाँ करवा रहा को तेने, यू कहाँ है चलो भाई अब लगाते इसको डैश कैम भी, अब चलना चाहिए जरूर से भाई। यहीं पे हमको नजदीक एक वो रेस्टोरेंट भी मिल गया यार, हमने समोसे लिए छोले वाले या नमकीन हर चीज में डाले यार, नमकीन का ट्रेंड अलग ही है भाई। खाने पीने के बाद डेस्क कैम दोबारा चिपका दिया, SD कार्ड भी अब ढंग से लगा दिया। ये देखो कितना बढ़िया कैमरा और स्टीरियो का कॉम्बिनेशन रहता है एंड्रॉइड में, इसकी स्क्रीन यहाँ पे आ रही है आगे जो भी चल रहा है, देखो ट्रक खड़ा है, ट्रक यहाँ पे दिख रहा है। दिक्कत ये रही SD कार्ड नहीं ले रहा, नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा, फायदा क्या आ रहा है ऐसे डेस्क कैम का यार। हमने इससे भाई से लेके एक और चिप लेके बदल ली इसमें जो मेमोरी कार्ड होता है, पर इसमें भाई कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें एक ऐप आता है देखो इसके लिए ना HD DVR करके, इसमें देखो कई सेटिंग शूटिंग ये हटी नहीं रहा, इकन सा पता नहीं कैसे होगा यार इसका सिस्टम, फॉर्मेट करके देखें, फॉर्मेट तो जब कैच कर रहे हैं ये, मतलब ये पकड़ ही नहीं रही इसको चिप को, पता नहीं जैसे तैसे तो हमने निकाली, हो ही नहीं रहा कुछ भी, ऐसी चलेगी अब तो राम भरोसे गाड़ी भाई, ऐसा डैश कैम ही लगवाएगा ये, पता नहीं खराब है क्या रोगे भाई। इस गाड़ी का यूरिया लेवल देखो, मैं बल्ला खा रहा हूँ, बल्ला मतलब ये सोचना मत, चूस रहा हूँ जो भी रहता है यार। तो भाई इसमें यूरिया लेवल इतना कम क्यों होता नहीं, तो सर्विस ना करवा के लाया कि पहले करवा लाया, तो फिर यू कैसा क्या दिक्कत होता है ना कहीं पर सर। मैंने बोला था मैंने कि फुल करके तो बोलते हैं इतना ही आता कंपनी से, 10,000 चलती है, मतलब इतना ही करके देते हैं कि 10,000 चल जाए। ये क्या मतलब हुआ यार कंपनी वाले हद है, मतलब इस गाड़ी की डिलीवरी जब हुई थी ना इतना ही था इसमें, मतलब जो फ्यूल ये यूरिया था DEF बोलते हैं जिसको, जो फेज टू डीजल में डलता है केवल, ये तो ये फर्स्ट सर्विस में भी नहीं डाला है, करवा के ले आया 1,000 किलोमीटर कल ही सर्विस करवा के लाया था भाई। तो एक बार बताऊं मैं, तुम लोगों में पेशेंस नहीं था क्या, मैं बोल रहा था 2 दिन बाद आ जाऊंगा मैं वहां से, बताना यू है को ना बैग कर लिया भाई। ओ भाई झूठ मत बोल, अब तो ठीक है यार से, ना अलॉय डलवाए ना ट्विटर डलवाए ना ऑटो होल्ड डलवाया, ऐसे मजा थोड़ी आवे यार गाड़ी चलाने में। आप एक बात बताओ भाई, ये करता फिर मैं नहीं जा पाऊंगा ट्रिप पे, अब मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, अब काई को ना रोक सके मोन, मैं कह रहा हूं हां भैया, ऐसे जब घर वाले नई गाड़ी दिवा दे ना, नए इकले छोरा है
तो इकलो छोरा ऐसे ही उड़े करे। और उस HDFC के क्रेडिट कार्डों का ही सारे तो ना रोके कोई तो अगर आप भी इकले हो तो भैया अपने माँ बाप को ऐसे मत भैया आप देखो हमने मध्य प्रदेश क्रॉस कर दिया है यार। ये गोवा ट्रिप के लिए कई स्टेट्स पार करने पड़ते हैं। यहाँ क्या ब्यूटी है यार, अलग ही मतलब प्लेन्स में भी अलग ही तरीके का मजा आता है। कहाँ पहाड़ों में जा के बोर हो गए भाई। राजस्थान पहले हरियाणा से निकले, राजस्थान क्रॉस करा हमने, उसके बाद MP में घुसे, अब हम महाराष्ट्र में एंटर करने वाले हैं। नासिक बच गया 237 किलोमीटर, शिरडी 200 किलोमीटर साईं बाबा का धाम। अच्छा शिरडी पहले पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा, ये गाड़ी चलाने में बहुत आनंद है यार, बहुत आनंद है। इसमें पहले गियर में दिक्कत होती है, वो ही मैंने ट्रिक सीख ली है अब कि कैसे पहले गियर में जो न्यूट्रल होने की दिक्कत है उसको सही करते हैं। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जब पहला गियर लगाने की दिक्कत वो नौबत आएगी अभी। हाँ अब आगे ही ब्रेक करता ना पीछे, तो मेरे को अब नौबत आ गई वो लगाने की। भाई देखो पहला गियर है, पहला गियर लग रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, मैं रेस दे रहा हूँ, गाड़ी न्यूट्रल खड़ी है, देख रहे हो पहला गियर है, पहला गियर ये भी शो कर रही है। तो इसमें क्या दिक्कत रहती है ना भाई, ये ऐसे ही करेगी। अब हमको पहला गियर अगर लगाना है इसके अंदर, पता नहीं इस वाले पीस में दिक्कत है क्या रोग है, तो हमको ये थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा प्रेस, थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा पिकअप लेती है और फिर आराम से चलो। बस पहले गियर में और रिवर्स गियर में दिक्कत है, ये IMT में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पहला गियर लगा रहेगा, ये न्यूट्रल रहती है, यूं मचाती है, मतलब तो बहुत स्केरी सा है, ट्रैफिक वगैरह के हिसाब से बहुत डरावना सा सीन है पहाड़ों वाड़ों पे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। देखो जैसा अभी ये आया ब्रेकर, अब भाई हमारे प्लान में एक चेंज आ गया। हमने अभी गूगल मैप, ये जो मैप सा होता है ना, इसको चेक किया, तो हमको देखो गोवा जाना है, तो मैंने उससे कहा भाई तूने नासिक क्यों डलवाया है नासिक, तो फिर क्योंकि औरंगाबाद का बहुत शॉर्ट पड़ रहा है, औरंगाबाद और ऐसे ऐसे कोई मैप महाराष्ट्र पड़ रहा है, औरंगाबाद का मैप लगा ले बिल्कुल, तब वहां पे भी सेम टाइम पे पहुंच रहे नासिक भी। भाई गाड़ी माइलेज मशीन है का, 985 चल गई जब तुमने चलाई है, और अब भी 2 डंडा बच रहे हैं इसमें, लेकिन स्टिल हमने भी एक बोर्ड देखा राजस्थान MP से सस्ता तेल, महाराष्ट्र में घुस गए ना, तो हमने कहा चलो भरवा ही लेते हैं भाई यहाँ से। भाई साहब IMT तो मेरा दिल जीत रहा है यार, 20 की माइलेज बताओ कौन सी गाड़ी देती है भाई, देती है कोई गाड़ी नहीं देती यार, भाई को तो क्या पता ही नहीं। भाई आप तो बाइक चलाते होंगे? बाइक चलाता हूं। हेलमेट वेलमेट कोई नहीं पहनता क्या? नहीं, कोई मतलब ही नहीं किसी को हेलमेट वगैरह से, सीट बेल्ट वगैरह से, ऐसे ही चलते हैं यार, यहाँ कोई रूल्स और रेगुलेशन ही नहीं है, तो हम लोग इतने समझदार हैं, बेल्ट वेल्ट लगा के प्रॉपर चलते हैं, हर चीज़ करके SSRP लगा के, वो अलग बात है, इसने तोड़ दी, हमारा इंडियन भाई है ना जो ये तोड़ देता है अक्सर चीज़ों को जल्दी, कम उम्र में ज़्यादा चीज़ें मत तोड़ा कर भाई। तू क्या हो गया, नंबर प्लेट तोड़ दी ना तूने? मैंने तोड़ी। ओ भाई साहब इसमें अब भी 4000 का तेल आ गया, 3800 पे ऑटो कट मार गई, जबकि हम यहाँ पे डलवा रहे हैं महाराष्ट्र में। भाई मैं मान गया यार, IMT भाई यार कमाली चीज़ है, निकाल सी बस भाई 4000 का डाल दो बस, इधर डी झल रहता है, डी झल जल नहीं डी झल। देखो रिफ्यूल करते ही 0-0 ऑटोमेटिक हो जाता है इसके अंदर। अब देखेंगे दोबारा से अपनी आंखों के आगे, मैं सामने देना चाहता हूँ, 952 की रेंज बता रही है। अब यहाँ टंकी फुल करवाई हमने महाराष्ट्र में घुसते घुसते ही, अब ये कहाँ तक पहुँचाएगी हमें वो आपको मैं बताता हूँ भाई, ठीक है जी। भैया वैसे गाड़ी बहुत कम्फर्टेबल है, पर मैं चला चलाते थोड़ा थक गया, मैंने यसु बाबू को दे दिया, इस पाकिस्तानी सॉरी इंडियन भाई को तो हम देते नहीं चलाने को, इस पर आती नहीं है बेचारे पे। भाई ये पीछे लौट गो मैं यार, क्या कंफर्टेबल सीट है इसकी पिछली यार, क्या मतलब मजा आता है लिटरी में, तो आराम से सो सकता हूँ भाई। सीधा गोवा लगाओ, लो भी है इसके पास, सीधा गोवा लगाओ भाई सीधा। ओके, इसको कहाँ तुम औरंगाबाद वगैरह रूम रेंट लगवाओगे, सीधा गोवा लगनी चाहिए गाड़ी। मजाक कर रहा हूँ ब्रो लिटिल लिटिल। भैया अब रात होगी, गाड़ी चलाते चलाते हमें कोरी चेकिंग वैकिंग कोरी दुनिया भर की चीज मिल रही है, पर अभी तक कई पुलिस वाले ने हम रोके ना है, बहुत अच्छी किस्मत की बात है भाई। भाई मजाक मत जानियो, हमारे गोवा की ट्रिप है भाई, देखो इंडरी सोना पलवल हरियाणा से गोवा, भाई एक दिन 9 घंटे का सफर है, 1922 किलोमीटर पड़ता है हमारे वहां से, जब हम नॉन स्टॉप चलेंगे तब पहुंचेंगे, एक दिन 9 घंटे। और ये बालक तो बेचारे कब, तुम भाई पूरी रात गाड़ी चला के आए हो, ये तो सोए बिना बिल्कुल, ये भाई इनकी छाती है, तो मैं देखता हूँ आगे क्या करना है इनका। भाई थोड़ा ये यूथ आजकल जोशीला रहते हैं भाई, इतनी देर भाई, और भाई बस तगड़े लोग कर सकते हैं हमारे जैसे, इसको टोल वोल दबा के दिए जा रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा टोल पड़ते हैं यार, पर हमने भी ठान ली भाई गाड़ी IMT की पूरी टेस्टिंग करके आते हैं, पहाड़ वाड़ों पे तो बहुत चले गए, प्लेन्स पे कैसी चलेगी IMT, मतलब ढंग से समझ आ जाएगी यार, मेनली गाड़ी बात वो रहती है। चलो भाई पूरा इंडिया से ही नाप देते जाते, लोग हमसे भी बहुत लोग कह रहे थे भाई जैसे भाई फ्लाइट से चले जाओ ना, इतना कहाँ पच रहे हो, पर हम भी ना हमसे भी ड्राइवर ही कह दें भाई, तो भाई
भाई कैसे फास्ट टैग भी नहीं बनवा के लाएगी। अच्छा तो भाई चलते हैं, देखते हैं। अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ भाई साहब, कैसा सफर चल रहा है हमारा। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखना क्या मिलता है हमको क्या नहीं, मजा आ जाएगा। पर भाई गोवा जाके मैं 2020 में गया था मेरे ख्याल से, सेल्टोस लेके गया था, और अब 24 आ गया है और स्टार्टिंग में ही बताओ फिर से सेल्टोस जाने का मौका मिल रहा है। और अपने भैया ने एक बात और बता दो भाई, ये मत समझ लेना बस गोवा जाके ही रह जाएंगे, नो, बेशक ये यहाँ यही 2000 किलोमीटर हो, हम 2000 ऊपर और जाएंगे, समझ रहे हो। ऐसे भाई जाट बॉयज हैं, रुकते थोड़ी हैं। सॉरी भाई, मतलब गोवा तो ऐसे हमारा रुक लेंगे, मन किया तो रुक लेंगे, जाना तो हमको कहीं और है। और ये हमारी जिंदगी की, तीनों की जिंदगी की लॉन्गेस्ट बिगेस्ट हाईएस्ट विड्थेस्ट जो भी कहो, चौड़ी लंबी ठाड़ी फाड़ी, भाई सबसे ज्यादा लंबी रोड ट्रिप रहने वाली है हमारी। और टेम्परेरी नंबर और है, अभी नंबर भी नहीं आया तो आवाज कैसे कर रहा है। जब पुलिस रोकेगी ना रास्ता में, जब पता चल जाएगी तो ओके। अब तो आगो तू यहाँ अब तो आगो। चलो भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।